નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો આજે આપણે જોઈશું ધોરણ દસ ગાલા અસાઇનમેન્ટ સોલ્યુશન બે હજાર ત્રેવીસ તેમાં હિન્દી વિષયના પ્રશ્નપત્ર બેના વિભાગ ડી એટલે કે લેખન વિભાગનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન આ વિડિયોમાં આપણે જોઈશું જો તમે ચેનલ પર નવા હો તો સબ્સ્ક્રાઇબ કરી બેલાઇકનને ઓલ પર અવશ્ય સેટ કરજો અને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક શેર અવશ્ય કરજો ચાલો વિડીયોની શરૂઆત કરીએ નિમ્નલિખિત સંક્ષિપ્ત ટિપ્પણી લીખીએ तीनों तरण मार्क्स रेस है तो प्रश्न समाचार पत्र तीनों उत्तर जो ये समाचार पत्र जनसंचार का मुद्रित माध्यम है हर सुबह समाचार पत्र समाचार लेकर लोगों के पास आते हैं यह आज लोगों के जीवन का अभिन्न अंग हो गया है आज समाचार पत्र शिक्षा खेल मनोरंजन साहित्य एवं विज्ञापन के लिए बहुत उपयोगी है समाचार पत्रों का ब्रिटिश शासन में बड़ा महत्व था आज़ादी की लड़ाई में इनका बहुत योगदान था लोगों की आज़ादी के लिए तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है बंगाल गजट हिंदुस्तान टाइम्स नेशनल हेरोन्स पायोनियर मुंबई मिरर, केसरी वंदे मातरम प्रताप हरिजन यंग इंडिया अल हिलाल आदि उस समय के प्रसिद्ध समाचार पत्र थे हिंदुस्तान की सही तस्वीर उन दिनों कैसी थी इसका पता इन समाचार पत्रों से चलता है यार बदों में एक टिप्पणी आप जो ये कंप्यूटर कंप्यूटर के लिए हिंदी में संगणक शब्द का प्रयोग किया जाता है यह मनुष्य के मस्तिष्क से भी अधिक तेज गति से काम करता है यह प्राप्त सामग्री को अपनी स्मृति इकाई में भी रखता है आज का संगणक न्यूमेन नामक वैज्ञानिकी देन है 1833 में चार्ल्स बावेज ने विशिष्ट किस्म के मशीन का आविष्कार किया था इस दृष्टि से चार्ल्स बेवेज को आधुनिक कंप्यूटर का जनक कहा जा सकता है आज लगभग सभी क्षेत्रों में कंप्यूटर का उपयोग होता है संचार कांत्री में कंप्यूटर की भूमिका महत्वपूर्ण रही है त्यार जो यह निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर નીચે દઈએ ગયા પ્રશ્નો કે ઉત્તર તમારે પેરેગ્રાફ વાંચીને તેનો ઉત્તર પવન પુત્ર હનુમાન ભીષ્મ પિતામહ સ્વામી વિવેકાનંદ બ્રહ્મચારી છેતાલીસ મો પ્રશ્ન મૃત્યુ કોણ જીત શકતે હૈ ઉત્તર ब्रह्मचारी व्यक्तियों मृत ब्रुत, मृत्यु को जीत सकते हैं सुड़तालीसवा प्रश्न ब्रह्म शब्द के कितने और कौन कौन से अर्थ है तो मैं उत्तर जो ये ब्रह्म शब्द के तीन अर्थ है पहलू परमेश्वर विद्या और शरीर रक्षण आ त्र अर्थ ब्रह्म शब्द ना थाय अड़तालीसवा प्रश्न इस परिच्छेद को उचित शीर्षक दीजिए अनुशीर्षक तमें सच्चा ब्रह्मचारी એવું આપી શકો છો તમે અનુસૂચક તમારી રીતે પણ લખી શકો છો ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નાનુસાર પત્રલેખન કીજે તેના પાંચ ગુણ રહેશે તેનો આપણે પ્રશ્ન જોઈએ તીન સુરોહી પાર્ક સુભાષ રોડ સુરત ત્રણ નવ પાંચ જીરો જીરો એક સે ચિંતન વર્મા અહમ અમદાવાદ નિવાસી આપણે મિત્ર વરુણ દેસાઈ કો રક્તદાન કાં મહત્વ બતા હોવા પત્ર લિખતા आप पत्र नमूनों जो है तेरी रिता ते पत्र लखी सको सौथी पहला एड्रेस त्रीन सिरोही पार्क सुभाष रोड सूरत त्र नौ पाँच शून्य शून्य एक तीन दिसम्बर दो हज़ार बाईस प्रिय मित्र वरुण सप्रेम नमस्ते तुम्हारा पत्र मिला यह पढ़कर खुशी हुई कि तुम अपने स्कूल में आयोजित रक्तदान कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक अपनी सेवाएं दी यूँ देखा जाए तो आज रक्तदान का महत्व सबसे बड़ा दान बन गया है रक्तदान से एकत्र किया गया रक्त रक्त बैंकों में सुरक्षित रखा जाता है रक्त बैंकों में जमा रक्त घायलों और रक्त की कमी वाले मरीजों को दिया जाता है युद्ध में घायल हुए सैनिकों के लिए रक्तदान शिविर लगाए जाते हैं कुछ बीमारियों के इलाज में बाहर से रक्त देना जरूरी हो जाता है उचित रक्त की व्यवस्था के बिना डॉक्टर ऑपरेशन के लिए भी तैयार नहीं होते रक्तदान में महत्व की बात यह है कि रक्त स्वस्थ व्यक्तियों का ही लेना चाहिए रक्तदान से रक्तदाता को कमजोरी आती है न अन्य कोई हानि होती है रक्तदान के बाद उसे एक प्रमाण पत्र दिया जाता है इस प्रमाण पत्र के आधार पर जरूरत पड़ने पर रक्तदाता या किसी सगे संबंधियों को आसानी से रक्त उपलब्ध हो जाता है ઇસ તર દેખે તો રક્તદાન આજ સમય કી એક ખાસ જરૂરત બન ગયા હે તુમી માતાજી કો તબિયત અબ કસી હૈ ઉથા પિતાજી કો પ્રણામ કહેના તુમરા મિત્ર ચિંતન વર્મા ત્યારબાદ જોઈએ રૂપરેખા કે આધાર પર કહાની લિ કર શીર્ષક એવં બૌદ્ધ લીખીએ તેના પર પાંચ ગુણ રહેશે પચાસમો પ્રશ્ન છે તેના મુદ્દા આપેલા છે અને કહાની લખવાની છે જોઈએ કહાની सूरज नाम का एक विद्यार्थी था वह पढ़ने में बहुत कमजोर था उसके भाई बहन हमेशा अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होते थे पर सुरेश को कम अंक मिलने का कारण शर्मिंदा होना पड़ता था नवमी कक्षा में सुरेश दोबारा अनु अनुत्तीर्ण हुआ तो उसके उसे बहुत दुख हुआ निराशा के कारण उसका दिल टूट गया उसने सोचा कि अब मैं कौन सा मुंह लेकर घर जाऊं? इस बदनामी के झोलने की अपेक्षा मर जाना अच्छा है सुरेश ने आत्महत्या करने का निश्चय किया वह अपने गांव के निकट सुमसान जंगल में गया वहां एक पेड़ की डाल से रस्सी बांधते बांधते एकाएक उसकी दृष्टि एक मकड़ी पर पड़ी वह पेड़ पर चढ़ने का प्रयत्न कर रही थी पर बार बार नीचे फिसल जाती थी वह कोई बार कई बार पेड़ पर चढ़ी और गिरी फिर भी उसने अपनी कोशिश जारी रखी अंत में वह पेड़ की डाल पर पहुंच गई मकड़ी की यह सफलता देखकर सुरेश की निराशा गायब हो गई मकड़ी से उसे पढ़ाई के लिए जीत और मेहनत करने की प्रेरणा मिली उसने सोचा जब छोटी सी मकड़ी अपने प्रयत्न में असफल हो सकती है तो मैं क्यों नहीं हो सकता मुझे भी असफलता को निराश नहीं होना चाहिए सुरेश घर लौटा और उसने उस दिन से खूब ध्यान लगाकर पढ़ने लगा इस बार परीक्षा में उसने सुनहरी सफलता મિલી ત્યારબાદ જોઈએ નિમ્નલિખિત કિસ્તી એક વિષય પર એકસો પચાસ શબ્દ મેં નિબંધ લીખીએ આના સાત ગુણ રહેશે આપણે અહીંયા એક જ નિબંધ લીધેલો છે એકાવનનો પ્રશ્ન મેરી મા આ રીતે નિબંધ લેખન કરવાનું છે તેનો જવાબ તમે સ્ક્રીન પર જોઈ શકો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો વિડીયો અંત સુધી જોવા માટે ખૂબ ખૂબ આભાર ફરી મળીશું બીજા વિડીયોમાં થેન્કસ ફોર વોચિંગ અને આના પીડીએફની લિંક નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે ત્યારથી તમે આનું સોલ્યુશન પીડીએફ સ્વરૂપે ફ્રીમાં ડાઉનલોડ કરી શકો છો